इसमें एक नीचे कैमरा कंपनी ने दे दिया, एक फ्रंट पे दे दिया, यानी आप बॉटम व्यू भी ले सकते हैं और फ्रंट व्यू भी ले सकते हैं। भी देखें ये आपका ड्रोन है। देता है सही है, और आपके मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन हो जाती है इंस्टॉल और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और ये आपको वहीं पे व्यू भी देता है और वहीं पे आपको कंट्रोल भी देता है। इसकी रोटेटेबल है, तो जिस तरह हमारी वीडियो बनेगी तो हमें नजर आ सकता है कैसी हम क्या वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है। जबरदस्त। फिर टच स्क्रीन है, यानी आपने यहीं पे से कोई सेटिंग चेंज करनी है तो आप टच स्क्रीन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटो फोकस कैमरा है। ऑटो फोकस का मतलब ये होता है कि हमने इसे स्टैंड पे लगा दिया है, हम दोनों बात कर रहे हैं, इसने सारी सेटिंग सब फोकस वगैरह खुद ही करना है। आपको कोई भी ऑपरेटर पीछे खड़ा करने की जरूरत नहीं है इस कैमरे को ऑपरेट करने। बैक पैक आपको चाहिए, साइड शोल्डर बैग चाहिए, छोटा बैग चाहिए जस्ट एक कैमरा रखने के लिए, हर तरह के बैग अवेलेबल है। DSLR की तरफ देखेंगे तो इसमें एक मिरर है। अच्छा, ये आपको मिरर एक नजर आ रहा होगा। इसमें रूल ये होता है कि जब आप क्लिक लेते हैं तो ये मिरर इसके साथ टकराता है, इसमें से लाइट गुजरती है, सेंसर में जाती है और फिर आपकी पिक्चर डेवलप होती है। सही है। लेकिन जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसमें कुछ नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है उसको डेवलप होने में पिक्चर में। लेकिन जो मिररलेस है इसमें उस मिरर को खत्म कर दिया और जो सेंसर है उसको फ्रंट पे कंपनी ने कर दिया, डायरेक्ट आ गया फ्रंट पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन नादिर, एक बार फिर से मैं मौजूद हूं लाहौर में। आज आपको रिव्यू करवाने जा रहे हैं मुख्तलिफ कैमराज का, जिसमें आपको मुकम्मल एसेसरीज दिखाई जाएंगी कैमराज की। इसके अलावा ड्रोन कैमरा मिलते हैं, गिम्बल मिलती है, मोबाइल गिम्बल, मुकम्मल रेंज भाई के पास पड़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को आपको मिलती रहे। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भाई, तो उनके पास चलते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं, मुकम्मल एड्रेस भी जानते हैं और होल सेल रेट पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? जी करम अल्लाह। अफजल भाई, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका शॉप का एड्रेस कौन सी जगह पे और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, फिर हम आगे डिटेल जानते हैं आपसे। जी भाई, अभी मौजूद हैं सुपर फोटोज पे। अच्छा, और सुपर फोटोज सर ये कैमरा मार्केट में है, 86 चैम्बर लेन हमारा एड्रेस है। सही। और अगर मैं अपना शॉप का कुछ तावर्रफ आपको करवाना चाहूँ तो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 1970 से शॉप है। अच्छा, यानी आप कह लें कि इस 1970 से ये शॉप है, इस मार्केट की ये सबसे पुरानी शॉप है। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह में 52 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट और थर्ड जनरेशन है जो सेटअप को चला रही है। और कांटेक्ट नंबर बता दें हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, हमारे हमारा मोबाइल नंबर, PTCL नंबर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। देंगे, सही है। तो, जी दिखा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, अभी क्या क्या वैरायटी होती है इसमें? जिस तरह आपको पता है कि डॉलर की उड़ान है और हमारी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है दिन ब दिन, तो जो रेंजेस हैं वो अभी बढ़ती जा रही हैं। यानी आप कह लें कि जो पहले 30-40 हजार रुपए में आपको एक नया कैमरा मिल जाता था, उस रेंज में आपको सेकंड हैंड कैमरा मिलता है। और जो 30 हजार या 40 हजार रुपए का जो बॉक्स पैक कैमरा होता था उसकी रेंज 1 लाख रुपए तक चली गई है बॉक्स पैक के अंदर। जबरदस्त। तो खैर अभी ज्यादातर हमारे पास भी डिमांड इसी वजह से सेकंड हैंड कैमरे की ज्यादा है और हमारी भी कोशिश है कि न्यू की कम हो गई है क्योंकि करेंसी की डिवेल्यूएशन की वजह से। तो हमारे भी कोशिश होती है कि हर तरह की रेंज अपने पास रखें। बॉक्स पैक कोई कैमरा चाहिए वो भी हमारे नाज़रीन को मिल जाएगा हमसे, सेकंड हैंड में भी कोई भी ऑप्शन कहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको हमसे। ड्रोन में भी आपके पास मुकम्मल वैरायटी होती है? ड्रोन में हमारे पास नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की कैटेगरीज होती है। यानी इसके अलावा कैमरा गिम्बल्स वगैरह होगी, इसकी मुकम्मल एक्सेसरीज आपके पास? हाँ जी, कैमरा की गिम्बल भी मिलती है। अगर आप मोबाइल के साथ अपना कोई भी सेटअप लगाना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो उसकी मोबाइल की गिम्बल्स और ट्राइपॉड स्टैंड्स, लाइट्स वगैरह हर चीज हर चीज इंशाल्लाह। हम कोई भी चीज आपको
चाहिए होगी वो हमारे से आपको मिल जाएगी। और रेट कैसे होंगे, होलसेल रेट होंगे? मैंने आपको बताया कि मार्केट की सबसे पुरानी दुकान है और कोई भी शख्स या कोई भी अदारा तभी इतना लंबा सर्वाइव करता है जब वो एक नंबर तरीके से और अच्छे तरीके से चल रहा हो अपने क्लाइंट्स के साथ। जबरदस्त। तो हमारी रेट्स की और प्रोडक्ट की दोनों गारंटी मिलेगी आपको। जबरदस्त। कहाँ से दिखाना शुरू करेंगे सर? जहाँ से आप कैमरा से शुरू करें, ड्रोन शुरू करें, ड्रोन पहले दिखा दें हमारे नाज़रीन को। अच्छा, अभी यहाँ पे जो मैंने आपको आपके लिए दो ड्रोन्स निकाले हैं, ये दोनों ही कैटेगरी आ जाती है टॉय ड्रोन या फिर नॉन प्रोफेशनल ड्रोन्स के हवाले से। और अगर प्रोफेशनल ड्रोन्स भी कहेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। सही है, इसको प्रोफेशनल चेक करवाएं। जी जी जी, जो प्रोफेशनल ड्रोन्स हैं सर वो DJI कंपनी में आते हैं। अच्छा, तो वो लाइक मेरा आपको ओपन करके चेक करवाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो मैंने आपके सामने नहीं रखे। लेकिन जिस तरह ये चाइनीज प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, अभी देखें ये आपका ड्रोन है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के लिए लेना चाह रहे हैं ड्रोन जो कि इसमें प्रोफेशनल नहीं है, वो हैंड ऑन करना चाह रहा है खाली, या फिर प्रोफेशनली यूज नहीं करना चाह रहा, तो ये उस तरह की कैटेगरी के लिए ये ड्रोन्स बेहतर रहते हैं। सही है। इसकी रेंज सर कितनी है, कितने किलोमीटर तक जाता है या कितनी रेंज होती है? अगर इसकी फ्लाइंग रेंज की बात करें तो ये 100 मीटर कवर करता है आपके, और इसकी बैटरी टाइमिंग 15 मिनट होती है, यानी एक दफा आप चार्ज करके से 15 मिनट तक उड़ा सकते हैं। सही है। और मजीद इसकी जो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये आपको HD रिजल्ट देता है। सही है। और आपके मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन हो जाती है इंस्टॉल, और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये आपको वहीं पे व्यू भी देता है और वहीं पे आपको कंट्रोल भी देता है। सर प्राइस रेंज इसकी क्या है, प्राइस कहाँ से शुरू? प्राइस रेंज सर ये इकोनॉमिकल है, ये 20,000 रुपए के बजट में आपको मिल जाता है। अच्छा जी। और जो इससे ऊपर जाते जाए अगर कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज में तो फिर आपने 130 मिनिमम अपना बेंचमार्क रखना है। 1,30,000 रुपए से प्रोफेशनल ड्रोन आपके शुरू होते हैं। वो कहाँ तक जाते हैं सर? सर देखें कि इसका तो कोई एंड नहीं है, 15 लाख 20 लाख 30 लाख कहेंगे ड्रोन, 1.5 लाख से जी 1,30,000 रुपए से स्टार्टिंग रेंज है। और इसकी प्राइस क्या मिलेगी यहाँ से हमारे? ये इसकी प्राइस जो है वो 22,500 है। अच्छा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले 20,000 का फिगर बोला, तो हम 20,000 रुपए में ही इसे आपको देंगे। अच्छा। इसके अलावा डिलीवरी के हवाले से बात कीजिए, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैश ऑन डिलीवरी कहेंगे या आप अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दोनों सूरतों में आपको जो पार्सल है वो आपके डोरस्टेप पे मिल जाता है। 20,000 रुपए के नाजरीन जी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे बाई ने रेट बताया इसका 22,000 रेट है, लेकिन आपको डिस्काउंट करके 20,000 रुपए का मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है, जहाँ से मर्जी आप मंगवाएं। तो जी सर, नेक्स्ट वाला कौन सा मॉडल पड़ा हुआ है सर? ये ड्रोन में ये भी एक मॉडल है, अगर सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहूँ, स्पेसिफिकेशन सेम है, डिजाइन में फर्क आ जाता है। स्पेसिफिकेशन इसकी भी यही है कि 15 मिनट फ्लाइट टाइम है और 100 मीटर तक उड़ सकता है, HD रिजल्ट आपको देगा। लेकिन इसके डिजाइन के अंदर फर्क है कि इसकी शेप में और डिजाइन में फर्क है, और इसमें एक नीचे कैमरा कंपनी ने दे दिया, एक फ्रंट पे दे दिया, यानी आप बॉटम व्यू भी ले सकते हैं और फ्रंट व्यू भी ले सकते हैं, बाकी फर्दर उसी तरह से इसके यूज है। तो आज है कि आपके मोबाइल में कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी प्राइस क्या? प्राइस रेंज सेम है, सेम प्राइस है, जो हम मर्जी लें, ये डिजाइन पसंद आता तब भी लेने, वो पसंद आता तब भी। लेकिन आपने स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे रابطہ करना है तो आपको चीज, हर चीज मिल जाएगी। तो अगर कोई चीज रह भी जाती है वीडियो में, तो आपने, आपको कोई चीज चाहिए तो तब भी रब्ता कर सकते हैं आप भाई से। हाँ जी, व्हाट्सएप पे तो हर चीज आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी हम दिखा सकते, कोशिश तो करेंगे हम सारी चीजें दिखाएं, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ से मिल जाएगी व्हाट्सएप। इसके अलावा कैमरा की रेंज, कैमरा प्राइस रेंज, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो के स्टार्ट में भी कहा कि अभी जो 30,000 रुपए का बजट है वो मिनिमम बजट है यूज कैमरे के लिए। अभी उससे नीचे प्राइस में भी कैमराज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम वो सजेस्ट नहीं करते कस्टमर को, क्योंकि वो बिल्कुल ही आप लो बजट में जाते हुए आप क्वालिटी को भी बिल्कुल लो ले जाते हैं। तो एक कैमरा जो आपका प्रोफेशनली यूज हो सके फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, तो उसमें कम से कम आपने जो रेंज है वो 30,000 रखनी है। जिस तरह अच्छा। आपके हाथ में कैमरा है, कैमरा जो ये नाइकन कंपनी का मॉडल है D3100। अच्छा, तो ये वाला कैमरा आपको 30,000 के बजट में मिल जाता है विद बेसिक लेंस 1855mm के साथ। सही है। और इसकी अगर आप कहेंगे मेन यूजेज, तो ये फोटोज के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। सही है। वीडियो फीचर इसमें उस तरह से उतने अच्छे नहीं है, लेकिन एक बेसिक फोटो फोटोग्राफी के लिए अगर आपको कैमरा चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए। इसकी प्राइस ये 30,000 में आपको मिल जाएगा। अगर आप नाइकन और कैनन दो ब्रांड ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा चलते हैं फोटोज के लिए, तो ये नाइकन में मॉडल है और ये कैनन में है। कैनन का 4000D मॉडल है, ये 35,000 में आपको मिल जाता है अपने 18-55
किट लेंस के साथ, और ये भी फोटोज के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। प्राइस क्या इसकी? ये 35,000 में है। जी सर, नेक्स्ट में जो मॉडल पड़ा, नेक्स्ट ये सर हमारे पास है कैनन का 700D। अब जिस तरह मैंने दो मॉडल्स आपके सामने रखे थे जो फोटोज के लिए अच्छे हैं, अच्छे हैं सही। अब ये मॉडल है जो वीडियो के लिए काफी अच्छा है। अब हमारी नजर में वीडियो कैमरा वो होता है जिसकी स्क्रीन रोटेटेबल हो, यानी अगर इन मॉडल्स की आप देखेंगे तो इनकी स्क्रीन फिक्स है, सही है। इसकी रोटेटेबल है तो जिस तरह हमारी वीडियो बनेगी तो हमें नजर आ सकता है कि कैसी हम वीडियो क्या वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड हो रही है। जबरदस्त। फिर टच स्क्रीन है, यानी आपने यहीं पे से ही कोई सेटिंग चेंज करनी है तो आप टच स्क्रीन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटो फोकस कैमरा है। ऑटो फोकस का मतलब ये होता है कि हमने इसे स्टैंड पे लगा दिया, हम दोनों बात कर रहे हैं, इसने सारी सेटिंग सब फोकस वगैरह खुद ही करना है। आपको कोई भी ऑपरेटर पीछे खड़ा करने की जरूरत नहीं है इस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए। तो फोटो और वीडियो में ये बहुत अच्छा कैमरा है, फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी। जबरदस्त। और इसके अलावा नेक्स्ट में आते हैं, उसकी प्राइस बता दें सर। सर ये आपको मिल जाएगा, यानी हमारे नाज़रीन को मिल जाएगा 55,000 में। 55,000 में, हाँ, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में। जी जी, जबरदस्त। नेक्स्ट में कौन सा मॉडल? नेक्स्ट सर ये 200D मॉडल है। अब इसकी और इसकी बात की जाए तो ये कहने के इसका अगला मॉडल है 200D। इसमें कंपनी ने दो ऑप्शंस प्लस कर दिए हैं, सही है, बल्कि आप सॉरी तीन ऑप्शन प्लस कर दिए। इसमें एक वाईफाई डाल दिया है। अच्छा। वाईफाई का मकसद ये हो गया कि आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, सही है। आप अपना डाटा वाईफाई के थ्रू ही अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड निकाल के कंप्यूटर के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग कि आपका मोबाइल एज अ रिमोट आपके कैमरे का यूज हो जाता है। अच्छा। यानी आपने इसे स्टैंड पे लगा दिया, आप अब बैकएंड पे बैठे हुए हैं और मोबाइल से ही पूरे कैमरे को ऑपरेट भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फर्दर इसमें मेगापिक्सल बढ़ा दिए हैं, ये 18 मेगापिक्सल है, ये 24 मेगापिक्सल है। इसमें सिंगल मोटर लगाई थी कंपनी ने ऑटो फोकस की, इसमें डबल कर दी है। जबरदस्त। ये ड्यूल ऑटो फोकस है, वाईफाई के साथ है, और जो मैंने आपको बताया इसके अंदर मेगापिक्सल बढ़ा दिए हैं। जबरदस्त। और फोटो वीडियो ये इसकी भी। और प्राइस की कितनी रेंज बढ़ जाती है? प्राइस ये 30 यानी कि आपको 25,000 का गैप मिलता है, ये 80,000 में मिलेगा आपको। ये 80,000 में मिलेगा जी। और लेंस इसके साथ? इसके साथ भी कंपनी जो देती है 18-55 बेसिक लेंस मिलेगा। जबरदस्त। नेक्स्ट में कौन सा? अच्छा, अभी जो है एक वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का भी चेंज आया है। DSLR के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हम कहते हैं मिररलेस टेक्नोलॉजी, सही है, जिसमें सोनी कैनन नाइकन अभी तीनों कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिया है, इसके अंदर कैमरास बना रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको अगर नाज़रीन को बताना चाहेंगे DSLR और मिररलेस में असल में फर्क है क्या चीज, तो अगर आप DSLR की तरफ देखेंगे तो इसमें एक मिरर है। अच्छा। ये आपको मिरर एक नजर आ रहा होगा। इसमें रूल ये होता है कि जब आप क्लिक लेते हैं तो ये मिरर इसके साथ टकराता है, इसमें से लाइट गुजरती है, सेंसर में जाती है और फिर आपकी पिक्चर डेवलप होती है, सही है। लेकिन जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है तो उसमें कुछ नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है उसको डेवलप होने में पिक्चर में। लेकिन जो मिररलेस है इसमें उस मिरर को खत्म कर दिया और जो सेंसर है उसको फ्रंट पे कंपनी ने कर दिया, सेंसर डायरेक्ट आगे फ्रंट पे आगे। इससे ये होता है कि जो एक उसमें टाइम लगता था फोकस करने में कैमरे का, इसमें वो भी नहीं लगता, इसमें फोकसिंग स्पीड मजीद फास्ट हो जाती है। फर्दर ये बॉडी अगर आप देखेंगे इन कैमराज की निस्बतन तो काफी कॉम्पैक्ट हो जाती है, हैंडी हो जाती है, इजी टू कैरी हो जाती है। फर्दर इसमें ये वीडियोज के अंदर ये 4K तक रिकॉर्डिंग देती है, स्लो मोशन इनके बहुत अच्छे होते हैं, यानी क्योंकि टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हुई है तो फिर फीचर्स भी लेटेस्ट हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब इसमें जिस तरह ये सोनी का मॉडल पड़ा हुआ है, ये कैनन में मॉडल पड़ा हुआ है, फिर ये सोनी में मॉडल है, ये सोनी में मॉडल है। अगर हम इनकी प्राइस की बात कर लें तो क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी महंगी भी है और नई भी है, तो जिस तरह इसमें अगर आप बॉक्स पैक की बात करते हैं तो ये जो आपकी बॉक्स पैक रेंज है वो 2,30,000 रुपए से शुरू होती है। 2,30,000 शुरू होता है 4K में ये रिकॉर्डिंग। बिल्कुल। और सेकंड हैंड में ऑब्वियसली अगर आप लेते हैं तो वो फिर बॉक्स पैक से आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। जिस तरह अभी इसमें अगर जो 2,30,000 रुपए वाला है उसमें छोटा लेंस होता है 1650। अच्छा, 1650। अभी ये बड़े लेंस के साथ हम ऑफर कर रहे हैं 2,05,000 रुपए में। 2,05,000 रुपए का ये सेकंड हैंड है, लेकिन लेंस इसका बड़ा है। हाँ जी, कंडीशन भी साफ है, कंडीशन भी बिल्कुल। हमारी कोशिश होती है कि जो भी कैमरा रखें अपने पास साफ कंडीशन हो, अगर कस्टमर लेके जाए तो शिकायत ना करे, उसको चीज अच्छी मिले। अब इसमें ये कैनन में मॉडल है, RP मॉडल है और ये भी बहुत अच्छी बॉडी है। अब ये भी सेम उसी तरह से सारे लेटेस्ट फीचर्स के साथ है और मिररलेस बॉडी है, सिर्फ ब्रांड का फर्क है, ये एक सोनी है, ये कैनन है। और ये अगर आप इन पैक की बात करते हैं तो इस वक्त इसकी नई की प्राइस 290 है, 290, और ये यूज में आपको हमसे मिल जाएगी 250 की। सही। फर्दर इस तरह बात कर साथ लेंस कौन सा मिलेगा सर? ये खाली बॉडी है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी अब जो हमने मॉडल्स कुछ कवर किए हैं ये है क्रॉप बॉडीज। अच्छा। ये फुल फ्रेम है,
क्रॉप और फुल फ्रेम में सेंसर साइज का फर्क आ जाता है। अच्छा, मैं अगर इसको दोबारा से नाजरीन को एक बता दूं, थोड़ा सा दिखा के समझाना चाहें तो देखें, इसमें सेंसर का साइज छोटा है इसमें बड़ा, और इसमें सेंसर का साइज बड़ा है। सेंसर का साइज जितना बड़ा होता जाएगा आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी, और वो फ्रेम रेट भी जो है, फ्रेम का जो साइज है वो भी उतना ज्यादा ही बड़ा कवर करेगा। अगर कोई कस्टमर हमारे जो बाहर मार्केट से ही कैमरे लेते हैं, हाँ, कितना डिफरेंस को मिलेगा सर, ये भी सवाल मैंने मैं फिर आपको अर्ज करता चलूं कि क्योंकि मार्केट है, मार्केट में रेट्स का बड़ा आपस में एक कंपटीशन होता है, सही है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि कस्टमर कोई भी मॉडल रिक्वायर करे हम उसे मार्केट से कम रेट में ही दें इंशाल्लाह। सही है, सही है, क्योंकि हमारा वीडियो कम बनाने का मकसद ही यही है, क्योंकि आपको रेट्स कम मिले, आपको आगे पीछे जाना ना पड़े, सीधा आप एक जगह पे आए, आपको रेट्स भी कम मिले और चीज भी अच्छी मिले। अब जिस तरह ये कैनन में फुल फ्रेम है, इसी तरह ये सोनी में भी फुल फ्रेम कैमरा है, सही है। और ये अगर आप इसकी भी अगर नए की बात करते हैं तो अगर ये अगर आप खाली बॉडी ये नहीं लेते हैं तो ये 380,000 रुपए की है, ये सेकंड हैंड में हमारे पास 340,000 रुपए में है। अच्छा, अगर इस लेंस की बात करते हैं तो ये नया 180 का है, सेकंड हैंड में हम इसे ऑफर कर रहे हैं 120 का। तो इस तरह से सेकंड हैंड और न्यू में हमारे पास प्राइसेस हैं। और ये अगर आप बात करते हैं तो अगर नाजरीन यहाँ से देख सकें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सिनेमा लाइन। अच्छा, तो ये सोनी का सिनेमा लाइन का कैमरा है, यानी ये वो कैमरा है जिससे प्रोफेशनल फिल्म्स एंड टीवी ड्रामास और इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। सही है, सही है। तो ये आपकी प्रॉपर प्रोडक्शन की यानी कि बॉडी है। अगर इसकी नई की बात की जाए तो ये 10 लाख रुपए की इस वक्त नहीं है। अच्छा, इस सेकंड हैंड में हमारे पास 750 यानी 7.5 लाख रुपए में अवेलेबल जी। तो इस तरह की यानी कि किसी भी कैटेगरी का कोई भी कस्टमर को कैमरा चाहिए हो तो हमारे पास हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह रेंज अवेलेबल है। नाजरीन, आप अभी वैरायटी तो बहुत सारी पड़ी है लेकिन वीडियो बनाते जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल कैमरे की यही आपको रेंज दिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी रेंज चाहिए तो मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। जब भी आप कैमरा बाय करते हैं तो आपको मेमोरी कार्ड की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, तो मेमोरी कार्ड हर तरह के अवेलेबल हैं, जो फुल एचडी सपोर्टेड हैं वो मेमोरी कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, जो 4K कैमरास में डालेंगे 4K कार्ड्स वो भी अवेलेबल हैं। अच्छा, जो टैग प्राइसेस हैं आपको इन प्राइसेस पे भी अगर आपके तवस्त से कोई हमारे पास रापता करता है तो इंशाल्लाह हम उसमें भी फर्दर डिस्काउंटेड रेट आपको देंगे। सही है। और इसके अलावा अगर आप बात की जाए तो सेल्स वगैरह हैं जो फ्लैश गन्स में यूज होते हैं। अच्छा, और भी मुख्तलिफ हमारी एक्सेसरीज होती है जिसमें सेल्स यूज होते हैं, तो उसके सेल्स भी मिल जाएंगे। सेल्स में प्राइस की बात की जाए सर, सेल्स में भी दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है सर जी। एक होते हैं डिस्पोजेबल, अच्छा, यानी वन टाइम आप यूज करेंगे, जो रेगुलर जिस तरह आप यूज करते हैं और बाद में उसको वेस्ट कर देते हैं, और एक होते हैं रिचार्जेबल, यानी ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब प्राइस की बात कीजिए तो ये 100 का है और ये 1000 का है। जबरदस्त। तो इसमें लेकिन ये रूल होता है कि आप इसको एक दफा ले लेते हैं, बार बार चार्ज करते हैं और इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, ये डिस्पोजेबल नहीं होते। फर्दर कैमराज की बैटरीज हैं, सेलों को चार्ज करने वाले चार्जर हैं, चार्जर बैटरीज के चार्जर हैं, क्लीनिंग किट है। क्लीनिंग किट की बात की जाए तो क्लीनिंग किट आपकी कहलाती है कि जब भी आप अपना कोई गैजेट लेते हैं तो उसकी साफ सफाई का ख्याल भी आपको रखना पड़ता है जी। तो ये स्पेशली डिजाइन होती है उसके लिए क्लीनिंग किट कैमरे की, कि आपने सेंसर में हवा के प्रेशर के साथ उसको साफ करना है, लिक्विड से बॉडी को साफ करना है, जो जिन एरियाज पे कपड़ा ना पहुंच सके वहां पे आपने ब्रश से सफाई करनी है, तो इसकी प्रॉपर किट होती है। ये 1500 की आपको मिल जाती है। मजीद इस तरह से काफी एक्सेसरीज हैं। अगर आप इस तरफ थोड़ा सा कैमरा मूव करेंगे तो देखिएगा, ये इंस्टेक्स की फिल्म्स हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल काफी ट्रेंड है कि कैमरे से पिक्चर लेते हैं और फौरन बाहर निकलाती है प्रिंट होके, तो ये उसकी कॉटरेज है, यानी ये फिल्म बीच में डलती है, कैमरे से आप फौरन क्लिक लेते हैं और फौरन ही पिक्चर आपको डेवलप होकर बाहर मिल जाती है। आपको एक वो एक थोड़ा सा एक अच्छा फील कराती है कि आपका ऑन द स्पॉट एक आपकी पिक्चर बन गई है और आपने उसको देख लिया। सर इनकी प्राइस क्या है, इसकी बात की जाए? सर जी इसकी प्राइस 4500 फिल्म की प्राइस होती है जिसमें 20 पिक्चर्स होती हैं, यानी आप कैमरा में डालते हैं तो इसमें आपको 20 पिक्चर्स आपकी बन जाती हैं 4500 रुपए में। सही है। मजीद जिस तरह अगर हमने पहले बात की थी मोबाइल की गिम्बल्स की, तो मोबाइल की गिम्बल्स भी अवेलेबल है। अब ये DJI कंपनी है सर, जो ड्रोन्स भी बनाती है, गिम्बल्स भी बनाती है और काफी एक्सेसरीज बनाती है। एक USA बेस्ड ब्रांड है DJI कंपनी का, और इनकी ये ओजमो मोबाइल 6 मॉडल है। अभी टैग प्राइस पे भी आप देख सकते हैं 38 है, लेकिन आपकी वीडियो से अगर कोई रेफरेंस से आता है तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्काउंट कर देंगे। जबरदस्त। तो ये इसकी सबसे हाई एंड मॉडल है मोबाइल की गिम्बल्स के अंदर। सही। छोटे मॉडल्स में आ जाएंगे तो फिर Xeon ब्रांड आ जाता है, मोजा ब्रांड आ जाता है, वो आपके लिए 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह की रेंजेस से भी हमारे पास रेंज शुरू होती है। आप दिखा रहे हैं नाजरीन को हमारे पास स्टैंड्स अवेलेबल हैं। अब ये देखिएगा स्टैंड, इसके ऊपर ये हेड देखिएगा आपको, तो काफी बड़ा हेड है। इसका मकसद होता है ये वीडियो हेड होता है,
और ये फ्लूइड होता है, यानी कि जब आप इसको पैन या टिल्ट करते हैं तो ये जर्क नहीं देता बल्कि स्मूथली पैन और टिल्ट होता है। अच्छा, इसका ये मकसद है। ये प्रोफेशनल वीडियोस के लिए यूज होता है। इसकी प्राइस आपको 8500 मिलती है। अच्छा, फिर स्टैंड के साथ साथ मोनोपोड्स भी यूज हो रहे होते हैं। मोनोपोड होती है सिंगल स्टिक, यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आपके पास इतनी स्पेस ना हो, जगह कम हो, हाँ जी, स्टैंड भी लगाना हो। हाँ जी, तो आपको सिंगल मोनोपोड के तौर पे यूज होता है। लेकिन ये आप बिल्कुल इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको फिर भी इसको थोड़ा सा हैंड रखना पड़ता है अपने एज अ सिक्योरिटी। लेकिन ये होता है कि ये जिन एरियाज में आपका तीन टांगों को खोल के उसके स्टैंड रखने की जगह ना हो, वहां पे मोनोपोड यूज होता है। और प्लस आपने इसको मुख्तलिफ जगह पे वेडिंग वगैरह में भी देखा होगा, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इसको टॉप शॉट लेने के लिए एक तरह से सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज किया जाता है इसे। इसकी प्राइस सर जी ये हेड के साथ है, ये 6500 में है। इसमें खाली स्टिक भी आती है जिसमें हेड और नीचे लेग्स नहीं होती, ये 3500 का होता है। सही है। मजीद जिस तरह स्टैंड में मैंने बताया था कि ये हैवी प्लेट और हैवी हेड के साथ है, ये महंगा है। इसमें अगर आप इस तरह के ऑप्शंस पे आते हैं तो ये 4000 रुपए का होता है। इसमें हेड और जो क्वालिटी है वो उसकी निस्बतन नॉर्मल आ जाती है, थोड़ी हल्की आ जाती है। और इसकी क्या प्राइस है सर? ये 6500। हाँ जी। और इसके अलावा जो नीचे पड़ा हुआ ये वाला स्टैंड, ये 4000 का ऊपर वाला मैंने आपको बताया था। इसकी आर्म्स वगैरह थोड़ी सी बारीक है, इसकी उसकी निस्बतन थोड़ी भारी है, बल्की है। और ये आपको 5000 का मिल जाता है। 4000, 5000, 8500, 6500, 3500, इस तरह की मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस हैं जिसमें हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा बैग्स वगैरह भी मुकम्मल? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में इतना बड़ा डिस्प्ले बैग्स का आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमारे पास जो वैरायटी है बैग्स की, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में सबसे ज्यादा बैग्स की वैरायटी हमने रखी है। मैन फ्रोटो के ओरिजिनल बैग्स 1,30,000 रुपए से शुरू होता है, 25,000 रुपए से शुरू होता है, 15,000 रुपए से शुरू होता है। इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास बैग्स की रेट्स हैं। लोकल में अगर आप देखेंगे लोकल बैग्स भी हैं 4,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर हैं। फिर मैन फ्रोटो का ये ओरिजिनल लगा हुआ है, ये छोटा बैग 1,500 रुपए का मिल जाता है आपको। इस तरह के ये सोनी के इम्पोर्टेड बैग्स आपको 3500 के मिल जाते हैं। अगर मैं इस साइड से इसे ओपन कर लूँ, ये छोटे स्मॉल बैग पैक आपको 2000 रुपए का मिल जाता है। फिर ये सोनी की ब्रांडिंग के साथ 1500 रुपए का बैग है। फिर ये वैनगार्ड का इंपोर्टेड बैग है 3500 का। और मजीद इस तरह की आपको रेंज बैग्स के अंदर हमसे मिल जाती है। बैग पैक आपको चाहिए, साइड शोल्डर बैग चाहिए, छोटा बैग चाहिए, जस्ट एक कैमरा रखने के लिए, हर तरह के बैग अवेलेबल है। जबरदस्त। तो इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें? अगर इस तरफ आप देखेंगे तो प्रोफेशनल स्ट्रोब लाइट्स हैं, LCD के वायरलेस मॉनिटर्स हैं, बड़े हैंडी कैमरास हैं। फिर जिस तरह हमने मोबाइल की गिम्बल की बात की थी, कैमरा के गिम्बल्स हैं, फिर लाइट्स हैं, रोटरी टेबल्स हैं। रोटरी टेबल भी बता दें साथ साथ। मैं आपको बताता हूँ रोटरी टेबल सर आपको, अगर मैं इसको बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये होती है यूज प्रोडक्ट के शूट के लिए, यानी कि इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रखते हैं और ये 360 उसको रोटेट करवाती है और आप उसके ऊपर 360 व्यू के वीडियो या फोटो बनाते हैं। तो हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी हमने रखी हुई है। जिस तरह ये कैमरा की गिम्बल की बात की जाए तो ये वाला मॉडल RS3 कॉम्बो है, ये 175 का है, 1,75,000 रुपए का। वैसे अगर आप बात की जाए कि कहाँ से शुरू हो जाते हैं तो 70,000 से कैमरा गिम्बल से स्टार्ट होते हैं, वो भी मॉडल मेरे पास अवेलेबल है। वीडियो में आगे चल के चाहे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा माइक्स पे की तरफ आते हैं तो सर, माइक्रोफोन जिस तरह ये देखेंगे तो ये वायरलेस माइक्रोफोन है, यानी इसमें एक पार्ट कैमरा या मोबाइल के साथ लगता है और दूसरा पार्ट आपका आपके साथ लगता है और ये वायरलेसली रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसको रेड डॉट अवार्ड और ईसा अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है इस माइक मॉडल को। 11,000 रुपीज में है सिंगल वाला। बोया कंपनी बहुत फेमस कंपनी है पाकिस्तान के अंदर माइक्रोफोन्स के अंदर, इनकी सारी रेंज पड़ी है। कॉलर पे लगने वाला वायर वाला माइक है, वायरलेस माइक है, आईफोन के लिए माइक है। जो एक स्टार्टिंग सेटअप अगर बनाना चाह रहा हो तो 2500 का माइक है। फिर भाई बात है कि आप आपके रेफरेंस से अगर कोई भी ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह तो डिस्काउंट हो जाएगा। वायरलेस माइक है, आईफोन के लिए वायरलेस माइक है, वायरलेस माइक में सिंगल भी है, ड्यूल भी है। ड्यूल भी है, सही है। फिर पावर बैंक्स की कुछ वैरायटी हमने रखी हुई है क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कैमरास आ रहे हैं वो पावर बैंक से चार्ज हो जाते हैं, तो कस्टमर की डिमांड थी कि जी पावर बैंक के लिए हमें अलग मार्केट जाना पड़ता है, तो कुछ वैरायटी आप भी रखें। तो जॉयरोम के ओरिजिनल पावर बैंक है, 6 माह की वारंटी के साथ है और आपको 6 माह की वारंटी के साथ ही हमसे मिलते हैं। LED पैनल्स है, LED लाइट्स ऑन कैमरा यूज होती है और ये RGB लाइट्स है। इसमें आप कोई भी कलर बना सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, किसी भी तरह के कलर के साथ इफेक्ट आपने देना हो आप इसमें से वो कलर बना सकते हैं।
रॉड कंपनी मेड इन ऑस्ट्रेलिया ब्रांड है, इनके माइक्रोफोन्स भी हमारे पास होते हैं, हर तरह का माइक भी आपको मिल जाएगा। प्राइस जिस तरह टैग प्राइसेस भी लगी हुई है, 44,000 है, 9,000 है, और अगर ये छोटी एलईडी की बात की जाए तो 9,000 ईच 9,000 रुपए की है, पावर बैंक की बात की जाए तो 3,500 है, और फिर इसी तरह ऊपर माइक जो मैंने बताया कॉलर माइक 2,500 रुपए का है, वायरलेस ड्यूल के अंदर 27,500 का है, सिंगल के अंदर 21,500 का है, आईफोन का वायरलेस माइक 19,500 का है, और ये बोया कंपनी के ओरिजिनल माइक्स हैं, 18 माह की गारंटी कंपनी इसमें साथ देती है हमें। जबरदस्त, तो डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा आप रब्ता करें। जी जी जी, तो बहुत शुक्रिया सर, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।